कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बड़ा ऐलान, गाड़ियों की पार्किंग पर देने होंगे 2 से 10 गुना अधिक शुल्क। कोलकाता KMC ने शहर में कारों और दो पहिए वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क में 2 से 10 गुना वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। वाहन जितना लंबे समय तक खड़ा होगा शुल्क उतना अधिक देना होगा। KMC ने बताया कि उनके इस कदम से न केवल नागरिकों के लिए अच्छा और उच्च राजस्व सुनिश्चित होगा बल्कि सीमित समय के अंदर पार्किंग स्लॉट खाली हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पार्किंग चार्जेस से मोटर चालक पार्किंग में कम देर मोटर खड़ी करेंगे। वहीं अधिकारियों ने कहा कि नया कदम लोगों को निजी वाहन खरीदने से हतोत्साहित कर सकता है और इसके बजाय सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। वहीं आपको बता दें कि कोलकाता दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर पर था, इसको देखते हुए भी ये कदम उठाया गया है। वहीं कई मोटर चालक इस कदम से नाखुश हैं। उनका कहना है कि पार्किंग चार्जेस पहले से है और इस नियम का गलत इस्तेमाल कर पार्किंग पर खड़े लोग ज़्यादा कर वसूलते थे और अब इसमें बढ़ोतरी के बाद इसमें वृद्धि आएगी। वहीं इस बदलाव से ऑफिस जाने वालों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने की संभावना है। ऑफिस जाने वाले लोगों को पार्किंग में अपनी गाड़ियों को 9 से 10 घंटे तक खड़ा करना पड़ता है। अब इस वृद्धि से उन पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। वहीं चार्जेस की बात करें तो चार पहिए वाहन 1 घंटे के लिए पहले 10 रुपये देने होते थे, अब 20 रुपये देने होंगे। वहीं 5 घंटे की बात करें तो पहले 40 रुपये देने होते थे, अब 160 रुपये देने होंगे। वहीं 5 घंटे से ज़्यादा खड़ी करने पर प्रति घंटे 100 देने पड़ सकते हैं। वहीं 2 पहिए वाहन की बात करें तो 1 घंटे के लिए 5 रुपये तो अब 10 रुपये देने होंगे, 5 घंटे के लिए 25 रुपये तो अब 80 रुपये देने पड़ सकते हैं। 2 पहिए के वाहन 5 घंटे से अधिक खड़े करने पर 50 रुपये प्रति घंटे देने पड़ सकते हैं। वहीं KMC इन नई दरों का नाम बदलकर कंजेशन चार्ज कर सकती है। ज़्यादा अपडेट के लिए न्यूज़ प्लस इंडिया को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।